मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आकांक्षी विकास खंड की तर्ज पर अब आकांक्षी नगरों में भी सीएम फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। अब इस पहल के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो युवाओं और नागरिकों को नगरीय विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदारी बनाने का मौका दे रहा है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने हाल ही में 20,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले छोटे शहरों में मूलभूत शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सुधार करते हुए रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए आकांक्षी नगर योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से शहरी विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन लोकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस के क्षेत्र में फोकस किया जाएगा। आने वाले समय में 100 ऐसी सिटी का हम चयन करेंगे, ऐसी नगर पंचायतों का चयन करेंगे जिन्हें हम आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित कर सकें, बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर सकें। जनप्रतिनिधियों को, हमारे मान्य विधायक, मान्य सांसद, इन सब के अपेक्षा थी, गांव के लोगों की भी अपेक्षा थी कि हमें भी नगरीय जीवन के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हर एक के पास पैसा नहीं था। हमने कहा आप क्यों कहीं प्लान कर रहे हैं, हम आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं, आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है तो 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।